तो आ विद्युत पठनीय चालकत्व, विद्युत पठनीय चालकत्व। और इसमें सबसे पहले टॉपिक डालें आप प्रतिरोध भाई, देखो भाई अब सुनते जाओ, मैं कंटिन्यू सारी चीजें पहले बता फिर उतारना आप, है ना। देखो धात्विक चालक क्या होते हैं भाई, तार वगैरह होते हैं, है ना। तो धात्विक चालकों की भांति विद्युत अपघटनीय चालक भी ओम के नियम की पालना करते हैं भाई, यानी दोनों के दोनों ही किसकी पालना करते हैं, ओम के नियम की। कौन कौन? विद्युत अपघटनीय चालक भी और धात्विक चालक भी, दोनों किसकी पालना करते हैं, ओम के नियम। अब अपन बात करेंगे साहब ओम का नियम क्या है, ठीक है। तो ओम का नियम है V समानुपाती I। ये जो तार है, इस तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। विभवांतर किसका समानुपाती होता है, किसका नियम है, ये ओम का नियम है। इस ओम के नियम में ये जो समानुपाती का सिंबल है, अगर मैं इसको हटाऊं तो R लगाना पड़ेगा भाई, क्या लगाना पड़ेगा, तो आपके पास हो गया V बराबर R I। और यहां पर ये जो R निकल के आया है, ये R आपके पास क्या कहलाता है भाई, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अब इस R के मात्रक की बात करें अपन, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक निकालने के लिए अपन क्या करें, R बराबर क्या हो जाएगा, I इधर चल जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा, सही है कि नहीं भाई। और V आपके पास किस में होता है, वोल्ट में, और I एम्पियर में। क्या हो गया बताओ, ये वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम लिखा जाता है भाई, क्या लिखा जाता है, ओम। और इस ओम को इस प्रकार के एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो गया प्रतिरोध R का मात्रक क्या, ओम, और इसको ये सिंबल है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास प्रतिरोध R, ठीक है। क्या हो गया, प्रतिरोध R हो गया भाई। प्रतिरोध R के बाद अपन ले लेते हैं चालकत्व भाई, और ये चालकत्व और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे हैं, प्रतिरोध ज्यादा चालकत्व कम, तो दोनों के बीच कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो अपन ये कहेंगे कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता भाई, उल्टा कर देना, और इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, जी बराबर हो गया वन अपॉन आर, आर का उल्टा ही तो है भाई, आर का उल्टा है, प्रतिरोध और चालकत्व एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जी बराबर हो गया वन अपॉन आर। अब मान लो अगर आप इसकी यूनिट की बात करें, तो जी बराबर क्या है, वन अपॉन आर, एक बटा ओम, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स, सही है भाई। और इसी ओम इनवर्स को
साइमन भी बोला जाता भाई, क्या बोलते हैं साइमन भी बोल देते हैं। और दूसरा एक और, जैसे आप क्या लिखते हैं ओम ना, इस ओम का उल्टा करोगे जब एमएच हो जाएगा मो, सही है कि नहीं, तो ओम और इसका उल्टा कर दोगे जब मो हो जाएगा, तो इसको ओम इनवर्स भी बोल देते हैं, साइमन भी बोल देते हैं और मो भी बोल देंगे। उल्टा हो गया ना, किसका ओम का उल्टा हो गया मो, ठीक है। ये हो गए चालकत्व भाई, ठीक है, आर का उल्टा चालकत्व यानी प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व। यहां दोबारा सुने, ये आपके पास प्रतिरोध, इसका उल्टा करो प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व। अब मैं यहां विशिष्ट लगा दूं, इसके विशिष्ट लगा दूं, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा भाई, सही है कि नहीं, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। और देखो प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना है कि यहां स्पेसिफिक कंडीशन लगा देंगे अपन, जैसे इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या क्या था अपने मानक कंडीशन लगा दी थी बस, तो मानक बन गया था। यहां भी क्या करेंगे बताओ, विशिष्ट कंडीशन लगा देंगे तो प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध बोल दोगे, चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व बोल दोगे, सही है ना भाई। दोबारा समझे, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व। अब मैं क्या लगा रहा हूं बताओ, विशिष्ट कंडीशन लगा रहा हूं कि विशिष्ट कंडीशन आपके पास होंगी क्या, ये मेरे पास एक डिब्बा है भाई और इस डिब्बे की एक सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और सपोज ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, तो अपने क्या लिख दी बताओ, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख दी इस डिब्बे की, तो बताएं इस डिब्बे का आयतन कितना आ जाएगा, डिब्बे का आयतन कितना आ जाएगा एक सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा भाई, ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, इसमें एक तार इधर जोड़ दिया ये, और एक वायर इधर जोड़ दिया, ये लो, मतलब एक सेल बना देंगे इसको, क्या बना देंगे एक चालकता सेल बोलते हैं इसको, इस प्रकार के जो सेल बनेंगे आगे देखेंगे अपन क्या बोलेंगे उनको, चालकता सेल। तो ये जो डिब्बा है इस डिब्बे का आयतन कितना आ गया बताओ एक सेंटीमीटर, इसमें जो विलयन भरा जाएगा उसका आयतन कितना आएगा, उतना ही आएगा भाई, डिब्बे का आयतन कितना है जो विलयन भरा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, विद्युत अपघटे पदार्थ के एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन का प्रतिरोध क्या कहलाएगा बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या लगाई बताओ, विलयन कितना होना चाहिए एक एमएल होना चाहिए, और अगर मान लो 10 एमएल हुआ तो प्रतिरोधी कहलाएगा, 20 एमएल हुआ तो प्रतिरोधी कहलाएगा, एक एमएल हुआ तो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, सही है कि नहीं। जैसे वहां पर पढ़ा था आपने 35 डिग्री पर इलेक्ट्रोड विभव, 37 डिग्री पर
इलेक्ट्रोड विभव, 40 डिग्री पर इलेक्ट्रोड विभव, और 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव। बोलो सही है कि नहीं? तो वहां मानक जोड़ा था मानक कंडीशन पर, और यहां विशिष्ट जोड़ा जाएगा विशिष्ट कंडीशन पर। विशिष्ट कंडीशन क्या लगा दी मैंने? सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए भाई। तो डेफिनेशन क्या होगी बताओ? 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा बताएं क्या होगी? विद्युत अपघटक पदार्थ के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकत्व विशिष्ट चालकत्व कहलाएगी भाई। बोलो सही कि नहीं? विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, इसमें जो विलयन भरा जाएगा उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें जो विलयन भरा जाएगा उसकी चालकत्व विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व, वो चालकत्व को तो विशिष्ट चालकत्व बोलेंगे, प्रतिरोध को यदि विलयन कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन का प्रतिरोध, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकत्व, सही है भाई? प्रतिरोध पढ़ लिया और चालकत्व पढ़ लिया, अब क्या पढ़े बताओ? विशिष्ट प्रतिरोध, परिभाषा मैंने बताई थी, ठीक है? अब अपन पढ़ते हैं भाई विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है? देखो भाई, प्रतिरोध R की निर्भरता, प्रतिरोध R समानुपाती होता है L के, और R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। मैंने दो इक्वेशन लिख दी, क्या मतलब? इधर देखो, एक तार ये है, एक तार ये है भाई, एक करनेल, दो करनेल, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तार में से, कितने करनेल से टकराएगा? तो प्रतिरोध दो करनेल उत्पन्न करेंगे। अगर मान लो मैं यहां इसकी लंबाई बढ़ा दूं तार की, अब कितने करनेल से टकराएगा ये? तो मैंने एल बढ़ा दी ना, एल बढ़ा दी, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कम से टकराएगा ज्यादा से? प्रतिरोध क्या होगा? एल बढ़ा दिया तो आर बढ़ गया ना, ठीक है? अब मैंने क्या कर दिया, लंबाई तो उतनी ही रख दी, लेकिन जो तार था उस तार की मोटाई बढ़ा दी, सही है कि नहीं? यानी रास्ता क्या कर दिया अपन ने? चौड़े कर दिए। रास्ता अगर छोटा हो 12 फुट का, और फिर उसमें मान लो बीच में बजरी पड़ी हुई हो, सरिये पड़े हुए हो, पत्थर पड़े हुए, तो बताओ आपको आने में आसानी होगी या नहीं? नहीं होगी ना, प्रतिरोध ज्यादा होगा ना। तो उसका इलाज क्या है? रोड को चौड़ा कर दो। अब ये तो हटाई नहीं जा सकती बजरी बजरी, काम तो चलना है भाई, मकान तो बनना है, ऐसे थोड़ी ना। इलाज क्या करें बताओ? सड़क चौड़ी कर दो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया बढ़ा दो, अब बताओ प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आर कम हो जाएगा, सही है कि नहीं? तो क्या कर दिया अपन ने? सड़क को चौड़ी कर दी, आर घट गया, प्रतिरोध घट गया, सही है कि नहीं? बहुत चौड़ा रोड है 30 फुट का, आराम से इधर बजरी पड़ी रो चाहे, उधर रोड़ी पड़ी रो, इधर कुछ पड़ा रो, बीच में आराम से फर्स्ट क्लास रास्ता। अब 12 फुट का तो एक ट्रोली रोड़ी उसकी बजरी की डली, रास्ता बंद बंद हो गया। देखो क्यों? प्रतिरोध ज्यादा हो गया, रास्ता छोटा है, मोटाई कम है, समझ गई बात? तो R L के साथ तो कौन सा संबंध रखता है? और A के साथ, समझ गई बात? दोनों ठीक है भाई। तो क्या कह दिया बताओ? R L के साथ समानुपाती का संबंध रखता है, और A, A क्या है यहां? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लें या उसकी मोटाई मान लें भाई, ठीक है? अब अगर मान लो मैं इक्वेशन एक और दोनों को एक साथ ले लूं, तो भाई इक्वेशन एक और
क्या करें बताओ, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो से, तो बताओ आर समानुपाती एल अपॉन ए, सही है कि नहीं? अब ये समानुपाती का सिंबल हटाओगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा भाई, मैंने लगा दिया, इसको बोला जाता है भाई रो, ठीक है ना भाई, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया रो, हालांकि इसको रो बोला जाता है, ठीक है, आप रो बोलते हैं, रो बोलते हैं, तो ये हो गया रो, कॉन्स्टेंट लगा दिया। अब अगर मान लो ये कॉन्स्टेंट में निकालूंगा तो ये कॉन्स्टेंट रो क्या है यहां, क्या बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध है भाई, क्या है, या इसको प्रतिरोधकता बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोला जाता है इसको, किसको, रो को। अब अगर मान लो ये रो निकालना चाहे तो बताओ देखो फार्मूला क्या होगा, बोलो जरा सोच लो एक बार, यूनिट पे देखो तो क्या हो जाए, कॉपी के ऊपर यूनिट निकाल के बताओ देखो रो की क्या होगी, कॉपी के ऊपर खाली जगह में रो की यूनिट निकाल के बताए, देखो भाई सुनो रब इधर ध्यान दे, इस फार्मूले को चेंज करके इसकी यूनिट बता रहा हूं मैं, इसको आप याद करेंगे, न्यूमेरिकल आता है इस पे भाई, है ना, तो न्यूमेरिकल के लिए अपन क्या करें, इसको लर्न करने का तरीका है रो रा अपॉन एल, रो रा अपॉन एल, रो रा अपॉन रो रा अपॉन एल, ठीक है, रो रा अपॉन एल। अब इसका मात्रक ले लें आप, आर का मात्रक बोलो ओम गुणा ए सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई सेंटीमीटर में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है भाई, क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बोलो ओम सेंटीमीटर, क्या गया ओम सेंटीमीटर, ये इसको आप ओम मीटर लिख दें, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, रो की, ओम सेंटीमीटर रहने दें आप, ठीक है भाई। और फिर इसकी अगर डेफिनेशन देना चाहें, ये डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, सही है भाई, ये क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, रो रा अपॉन एल। तो रो क्या है यहां, विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, एक एम एल का प्रतिरोध रहे, एक एम एल का प्रतिरोध, फार्मूला रो रा अपॉन एल, और फिर यूनिट आप निकाल लोगे, डेफिनेशन सिंपल है भाई, क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है क्या है? एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन का प्रतिरोध, और फार्मूला हो जाएगा रो रा अपॉन एल, यूनिट पर आराम से आप उसकी वैल्यू रखकर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी भाई, विशिष्ट, एक बार वापस सुन ले बात, इसको मैं अब नीचे नहीं उतारूंगा, इसको आप खुद नीचे उतारोगे, ये डिब्बा उतार लेंगे, डिब्बा उतार करके विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा लिखेंगे आप, विशिष्ट क्या परिभाषा होगी, एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकत्व, सही है ना, विशिष्ट कंडीशन लगा देना रे, एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन, बस एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकत्व, चालकत्व को
कोई दिक्कत नहीं भाई। तो अपन चलते हैं आगे, विशिष्ट चालकत्व में। प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व। तो ये विशिष्ट चालकत्व किसका उल्टा हो जाएगा बताओ? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो अपन लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता भाई? विशिष्ट चालकत्व होता है, और इसे छोटा किया है भाई ये कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। बाहुबली थर्ड, कटप्पा नहीं आएगा अब, कप्पा आएगा बाहुबली थर्ड में, ठीक है ना भाई? तो ये आ गया, अब थर्ड में आएगा या फोर में आएगा, कोई सी में आएगा, ये अभी जो डायरेक्टर उसने बताया नहीं, बात गोड़मड़ कर गया। हाँ भाई, प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा रे, और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और कप्पा बराबर होगा वन अपॉन रो, वन अपॉन रो। और डायरेक्ट में इसका मात्रक बता दो बस। अब देखो भाई, कप्पा बराबर है वन अपॉन रो, ठीक है, ध्यान से समझते जाए भाई, इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल होंगे तो टॉपिक खत्म करके सारे न्यूमेरिकल एक साथ करवाऊंगा तो सारे सारे काम आएंगे, ध्यान रखना। फार्मूलों को यही रट लें, अच्छी तरह से याद कर लें। मात्रक की बात करें, एक बटा रो का है, यहां ध्यान रखना इनकी यूनिट 1% जनरली ऐसा मिल जाता है राजस्थान बोर्ड में जो यहां से आता है, यूनिट से संबंधित। किससे संबंधित भाई? ज्यादातर बार पूछा गया प्रश्न। तो इस रो की यूनिट है ओम सेंटीमीटर। क्या ऊपर ले आओ भाई, ओम इनवर्स, सही है कि नहीं? ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं, और सेंटीमीटर इनवर्स की जगह मीटर इनवर्स लिख दूं मैं, ये हो गया इसका एसआई यूनिट में मात्रक। नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं भाई, ओम सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओ, ओम इनवर्स, देखो भाई इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर, इसका उल्टा हो ही जाएगा। तो केवल इस रो का याद रखो बस, और रो का निकालना भी आसान होगा क्योंकि रो का फार्मूला याद रखो, ये सारी चीज याद करने की जरूरत नहीं, रो का फार्मूला रखो रोरा अपॉन एल, याद हो गया, उससे मात्रक निकाल लेना, मात्रक को उल्टा कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसकी क्या देंगे यहां पर डेफिनेशन, और डेफिनेशन के लिए वही पैर क्या बनाएंगे बताओ? वो डिब्बा बना देंगे, ये डिब्बा बना दिया, ठीक है, और डिब्बे में क्या करेंगे इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दूंगा, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दूंगा, और यहां क्या लिख देंगे? डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होगी बताओ? एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन, एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकत्व प्रतिरोध की जगह चालकत्व लिख देंगे, प्रतिरोध की जगह चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध की जगह विशिष्ट चालकत्व आ जाएगा, फार्मूला हो गया, ठीक है। इस डेफिनेशन के बाद मैं पहुंचता हूं, इसको थोड़ा जगह दे दे ये लो, और अब मैं बात करता हूं यहां सेल स्थिरांक की भाई, किसकी? सेल स्थिरांक। अब ध्यान देना ये सेल स्थिरांक होता क्या है, डेफिनेशन यहां लिखता हूं पहले मैं, फिर समझाता हूं। अभी जो ऊपर आपने बनाया था वो चालकता सेल था भाई, क्या था? जिसका आयतन कितना था? एक सेंटीमीटर क्यूब। तो चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A
का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं और ये जी स्टार होता है एल अपॉन ए। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वाई। मैं यहां सेल बना करके समझाता हूं, ध्यान दें, ये मेरे पास एक चालकता सेल है भाई, जिसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं भाई, और इन इलेक्ट्रोडों को ये कनेक्ट कर दिया किससे, वायर से, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपके पास क्या, चालकता सेल। क्या बना दिया भाई, चालकता सेल। इस चालकता सेल में दो इलेक्ट्रोड हो गए, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल, एल समझ आ गई, क्या है एल बताओ, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, सही है भाई। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए का अनुपात निकाल लो, जी स्टार कहलाएगा, सही है भाई, क्या कहलाएगा, तो जी स्टार क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाएगा, सही है ना भाई, ये जी स्टार हो गया, जी स्टार, जेड स्टार नहीं भाई, जी स्टार, ठीक है। तो जी स्टार क्या होता बताओ, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक अनुपात, सही है। अब इस जी स्टार को वापस चले अपन यहां भाई, डेफिनेशन इसकी लिख दी, क्या डेफिनेशन थी भाई, एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन का प्रतिरोध तो विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व विशिष्ट चालक। अब आपको दो चीज पता चल गई, एक जी पता चल गई ऊपर, जी बराबर वन अपॉन आर चालकत्व रे, जी बराबर, और एक जी स्टार पता चल गया एल अपॉन ए। तो आपको जी जी का पता चल गया, किसका पता चल गया, जी जी का, दो जी रहे, दोनों जी को एक साथ लिख दो, जी जी हो जाएगी। तो कप्पा बराबर होता है जी जी स्टार भाई, एक नया फार्मूला जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, ध्यान रखना, कप्पा बराबर जी जी स्टार, ठीक है ना भाई, कप्पा बराबर जी जी स्टार, ठीक है। तो ये दो करेक्टर आपके पास, एक कप्पा और एक जी जी स्टार, सही है कि नहीं, और दोनों हैं फोर, बाहुबली फोर के करेक्टर है दोनों, कौन कौन, कप्पा और जी जी स्टार, कप्पा हो गया ना, दो तो पूरा फार्मूला बन जाएगा कप्पा बराबर। लेकिन जी और जी स्टार की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देगा भाई, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे जी की और जी स्टार की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देगा, क्या क्या करेगा वो सुने, कप्पा बराबर जी की वैल्यू होती है वन अपॉन आर, एक फार्मूला तो ये बन जाएगा, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वन अपॉन आर और जी स्टार की वैल्यू रख दो एल अपॉन ए, सही है कि नहीं। और चौथी पॉसिबिलिटी जी डायरेक्ट एल अपॉन ए, सही है कि नहीं भाई, ये हो गया। तो ये कप्पा बराबर जी जी स्टार याद रखेंगे आप यहां पर, कप्पा बराबर, सही है। जी क्या बताएं यहां, जी क्या है, चालकत्व भाई, और जी स्टार
सेल स्थिरांक जी क्या है? 1/r है तो सही भाई, और जी स्टार क्या है? L/A, सही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये फार्मूला आ गया। अब वापस चले जाते हैं अपन किस में? सेल स्थिरांक में भाई, ठीक है। अब सेल स्थिरांक वापस क्यों आए उसकी बात सुने भाई, मैं आपसे कहूं कि आप जी स्टार ज्ञात करें, क्या ज्ञात करो? जी स्टार। तो आप जी स्टार ज्ञात करोगे तो क्या करोगे बताओ? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी निकाल लोगे और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लिया, बड़ा सिंपल है। जी स्टार बराबर क्या होता बताओ? L/A, आसान है। अब ये चीज आप ऐसे निकाल सकते, जैसे मान लो आप घड़ी का जो सेल होता है ना उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड होता है, है ना। अगर मान लो आपसे कहूं कि भाई घड़ी का जो सेल है उसका अंदर का जो इलेक्ट्रोड है ना, कभी फोड़ के देखना, उसमें काले रंग की रोड निकलती है, काले रंग की रोड निकलती है उसमें, और उसी प्रकार की रोड अपने होते हैं जो ये रिफिल लगाते हैं अपन गुड नाइट वगैरह की, है ना भाई, उस रिफिल में भी एक काले रंग की रोड होती है ग्रेफाइट की। अरे बसम भाई, ग्रेफाइट या कार्बन किस प्रकार की काले रंग की रोड है। अब आपसे कहूं कि घड़ी या रिमोट का जो सेल है उसके अंदर का इलेक्ट्रोड है ना भाई, उसकी मोटाई, या मैं कहूं ए, एल तो मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना भाई, मैं तो कह रहा हूं आप उसकी ए निकाल के लाना कल, क्या निकाल के लाना? ए। तो उसका ए निकालने का तरीका आपके पास क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोड को पहले बाहर निकालोगे ना, बाहर निकाला निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उस सेल को तोड़ना पड़ेगा, बाहर निकालो इलेक्ट्रोड, दूरी नाप लो, फिर वापस लगा के सेल को पैक करके घड़ी में लगा दो, पॉसिबल है क्या? फिर दोबारा काम नहीं करेगा वो। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड था उसकी मोटाई निकालने का तरीका जो मैंने बताया वो गलत तरीका है, बेकार तरीका है। तो क्या वो तरीका आप यहां काम में लेंगे क्या? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी निकालनी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल नहीं सकते भाई, क्यों, क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा रे। जब कहीं जाकर के इलेक्ट्रोड बाहर निकलेंगे फिर आप इसकी मोटाई नापो, ए नापो, सही है कि नहीं? अरे वासन भाई, तो तरीका क्या है? गलत तरीका है। अब बात यह है कि साहब सही तरीका क्या है फिर? तो अपन क्या करते हैं, इस जी स्टार का मापन का सही तरीका बताता हूं आपको मैं। और ये जो जी स्टार के मापन का सही तरीका है, मापन का, मेजरमेंट का, ये राजस्थान बोर्ड की बुक में इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में इसका जिक्र है कि आप जी स्टार कैसे मेजरमेंट करोगे भाई, ठीक है। तो देखो ध्यान दे, मैं आपको जी स्टार का मेजरमेंट बता रहा हूं, ध्यान दे भाई। इधर आपको कप्पा पता है भाई, कप्पा बराबर जी जी स्टार, ठीक है, और आपको जी स्टार निकालना है, क्या निकालना है? और जी स्टार बराबर होता है राकेश जी, हाँ जी स्टार बराबर होता है आर के, हो गया ना राकेश जी, ये जी स्टार का फार्मूला हो गया भाई, हाँ राजकुमार राकेश जी, है ना, कुछ भी लिख दे इसमें। तो ये कप्पा बराबर जी जी स्टार था, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया भाई जी स्टार बराबर के, कैसे कन्वर्ट किया बताओ? जी की जगह क्या रखा था? 1/r ना, आर ऊपर गया, हो गया कि नहीं भाई? तो ऐसा करो कोई बात, इसके एक स्टेप इसको नीचे करके और कर देंगे, ये लो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 1/r डॉट जी स्टार, अब ले जाओ इधर, हो जाएगा। तो जी स्टार बराबर होता है आर के, जी स्टार बराबर आर के, हो गया। अब यहां दो वैल्यू हो गई, एक आर एक के, आर और के। तो जी स्टार निकालने का तरीका हो गया, अब एक आर लिया और एक के लिया, के कप्पा है, विशिष्ट चालकत्व है ये, क्या है? अब आप पता है क्या करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो सेल है ना, इस सेल में मैंने विलयन भर दिया KCl का, क्या भर दिया भाई? KCl का विलयन, मतलब ऐसा विलयन भरो जिसकी
कप्पा ज्ञात हो। ये लो भाई, क्या कहा मैंने, ऐसा विलयन भरो जिसकी कप्पा ज्ञात हो, सही है, यही लिख दूंगा मैं। क्या करना बताओ, चालकता सेल में क्या भरते हैं, केसीएल भरते हैं। क्यों भरते हैं भाई, जिसकी चालकता ज्ञात है। कप्पा पता चल गई, क्या पता चल गई भाई, क्योंकि जो विलियन आप भरोगे उसकी कप्पा आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो केसीएल भर लिया जिसकी कप्पा ज्ञात, अब क्या ज्ञात करना है, आर, तो अपन पता है क्या करेंगे, उसमें विलियन भर लेंगे और विलियन भर के उसका आर ज्ञात कर लेंगे, और आर ज्ञात करने का वही तरीका पुराने वाला, वो जोकी को किस कहेंगे ना उसके ऊपर, वही वाला तरीका है, यहां भी आएगा वो आर ज्ञात करने के लिए, किसके लिए आर ज्ञात करने के लिए आएगा, ध्यान रखना, वही लंबाइयां वगैरह नापेंगे उसमें किसका करके। तो आर कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा आगे आएगा, लेकिन आर ज्ञात करने का तरीका होगा, सेल में क्या भरो, सेल में क्या भरो, केसीएल भर के क्या याद कर लो, क्या याद कर लो, आर, मैं फिर बता रहा हूं, आर ज्ञात करना आगे आएगा भाई, कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है, आर, चलो कोई बात नहीं, भर लिया तो केसीएल भर लिया उसकी कप्पा नोन है, और फिर क्या याद कर लो, आर याद कर लो, अब आपके पास दोनों चीज हो गई, आर भी और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जी स्टार आ जाएगा। तो जी स्टार याद करने का ये तरीका सही है, वो तरीका गलत था, कौन सा तोड़ना फोड़ने वाला तरीका, ये है कि आप क्या करो उसमें बताओ, चालकता सेल में केसीएल भरते हैं जिसकी चालकता, और प्रतिरोध याद कर लेते हैं, प्रतिरोध आर ज्ञात कर लेते हैं, सही है, और फिर निम्न सूत्र से क्या ज्ञात कर लेंगे भाई, जे स्टार ज्ञात कर लेते हैं। निम्न सूत्र कौन सा भाई, जे स्टार बराबर आर के से, ये लो भाई, ठीक है, दोबारा बताएं जी स्टार की खानी क्या है, जी स्टार बराबर होता है एल अपॉन ए, लेकिन एल अपॉन ए निकालना असुविधाजनक होता है, एल अपॉन ए निकालना असुविधाजनक है, जी स्टार का मान एल अपॉन ए से निकालना क्या होता भाई, असुविधाजनक होता है, सही है, अतः क्या कर लिया भाई, ये तरीका है, अतः चालकता सेल में केसीएल भर के आर ज्ञात कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ आएगी नहीं, यहां से यहां क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, दोबारा बताएं, जी स्टार बराबर क्या होता है, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, और अगर मान लो यहां मैं इसकी यूनिट की बात करूं, जी बराबर क्या होता है, एल अपॉन ए जी स्टार, सॉरी एल क्या है बताओ, सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, नीचे सेंटीमीटर बचेगा, ऊपर लेके आओ, या मीटर इनवर्स किस में हो जाएगा, ऐसा ही, ठीक है भाई, तो कहीं जल्दी लग रही क्या है, देखो भाई फुर्सत माया करो, नहीं फुर्सत, मैंने क्या कहा आप लोगों से, पहले क्या रखा, बिल्कुल देखो अपना फंडा बिल्कुल क्लियर है, अपन उनमें नहीं है, आज आप बैठ जा, रसगुल्ला खुआऊंगा फड़ ले, उनमें नहीं, अपना अपना सीधा फंडा है, अपने अकॉर्डिंग चल सको तो बैठ जाओ, नहीं तो भैया राम राम, अपने घर जाओ, अपना फंडा वो नहीं है, किसी को बेवकूफ बनाने का नहीं है कि आज तेरे को बेवकूफ बना दिया कल नहीं, जैसा सिस्टम चलेगा वैसा ही चलेगा भाई, अब मैं कहूं कि ये सिलेबस में नहीं है नहीं पढ़ाऊंगा, हो या नहीं हो, पढ़ा पड़ेगा, नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाना तो क्यों पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, तेरे को पता ही नहीं चलता ये थाक नहीं,
हाँ उसूल है, और मैं अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करता भाई। देखो रियल बताऊं, हाँ जब तक जान है तब तक तो समझौता करूंगा नहीं, हो गया क्या? नहीं हो अभी क्या, क्या इसमें नहीं है, वो पिछले पेज में है। करो भाई, तो पहले बिल्कुल सारी चीजें क्लियर मैंने कह दी थी भाई। देखो मेरी यही तो टाइमिंग रहेंगी, है ना? फिर कल को आप कहो कि साहब ये हो गया, वो हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, हमारे स्कूल वाले ने इतने बजे बुला लिया, उसने इतने बजे बुला लिया, ठीक है ना भाई? पहले बिल्कुल फिक्स सारी चीजें करके फिर आओ। मैं ऐसा नहीं कि आज तो तुमको पैसे ले लेकर के तुमको बांध दूं और बांध में घूमना रहे, अब तो मेरी जेब में पैसा आ गया, अब तो कल इतने बजे आना हो तो नहीं भाग यहां से और पैसे और धर लिए जेब में, अपना वो सिस्टम नहीं है भाई। उतार लिया, उतार दर, उतार दर। ठीक है, मात्र लिख दो, से मात्र लिख दो ओम, बस आर बराबर वी अपॉन आई, वी वोल्ट में, आई एम्पियर में, वोल्ट बटा एम्पियर, और उसको ओम बोलते हैं। लास्ट में अगर रह गया हो तो बोर्ड पे टिप्पणी की जरूरत नहीं भाई। प्रतिरोध का उल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं, तो जी बराबर वन अपॉन आर। अब मात्रक बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं, खुद करो, फिर टाइम अपने आप ही बचेगा। अभी खुद ही लिखना है यार, इसमें भी फिर बोर्ड पे देख रहे हो। रोरा पोन एल मात्र लिखो, इसका मात्र लिख देना, किसका? आर का, ए का, एल का, आर का ओम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, एल सेंटीमीटर,
डिब्बा बनाओ जल्दी, और डिब्बा बोर्ड पे देखो, देख लोगों को हर बात पे शक रहता है कि कूड़ा टेढ़ा नहीं हो जाए। एक एमएल विलियन का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, एक सेंटीमीटर क्यूब विलियन का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। और अगले वाले में ये डिब्बा परिभाषा अपने आप लिख दोगे भाई, सुन लेना, प्रतिरोध की जगह, प्रतिरोध की जगह चालकत्व तो आ जाएगा, तो परिभाषा हो जाएगी विद्युत अपघटन पदार्थ के एक सेंटीमीटर क्यूब विलियन, विलियन का चालकत्व है की चालकत्व, की चालकत्व, खैर अपन को पता भी नहीं का है की है, विशिष्ट चालकत्व। रो का उल्टा है, रो का उल्टा तो परिभाषा खुद लिखो, है? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा बराबर हो जाएगा वन अपॉन रो, लिख दिया। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और कप्पा बराबर, कप्पा बराबर वन अपॉन रो, लिख दिया। मात्रक लिखो, मात्रक उल्टा कर दो जल्दी, ऊपर वाले का मात्रक क्या था, ओम सेंटीमीटर, इसका उल्टा करके लिख दो जल्दी, क्या हो जाएगा बताओ, ओम इनवर्स सेम इनवर्स, ओम इनवर्स की जगह साइमन, और सेम इनवर्स की जगह मीटर इनवर्स, तो मात्र हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स एसआई में। हो गया, हो गया भाई, डब्बा बना के परिभाषा लिख दो, मात्र लिख दे पहले, पहली तरफ मात्र लिख पहले, ओम इनवर्स सेम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स सेम इनवर्स, ओम इनवर्स की जगह लिख दे साइमन एस मीटर इनवर्स, बस कोष्ठक में दे एस आई, एस आई यूनिट में, एस आई यूनिट, आवाज आ गई, लेट डब्बा बना दिया भाई, क्या परिभाषा लिखी, विद्युत अपघटनीय पदार्थ के एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन, विद्युत अपघटनीय पदार्थ के, विद्युत अपघटनीय पदार्थ के एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तुम अलग लिख रहे हो, मैं अलग बोल रहा हूं, ठीक है, एक सेंटीमीटर क्यूब विलयन का हो गया, खाने खत्म यहां तक की, अब कप्पा बराबर कर दो, कप्पा बराबर लिखो जल्दी फार्मूला, कप्पा बराबर यूनिवर्सल फार्मूला, कप्पा बराबर जीजी स्टार, लिख दो कप्पा बराबर जीजी स्टार, कप्पा बराबर चार तरीके से चेंज करो, पहले जी की जगह वन अपॉन आर, वन अपॉन आर डॉट जी स्टार,
फिर जी स्टार की जगह एल अपोन ए कर देना, तो कप्पा बराबर जी डॉट एल अपोन ए, सही है कि नहीं? टीप लो, कर लिया ना? नहीं कई भी हैं टीपने वाले, टीप लो। ठीक है, सेल स्थिरांक चालकता सेल में, सेल स्थिरांक लिखें, सेल स्थिरांक चालकता सेल में, आगे में टीपो, चालकता सेल में क्या हो जाएगा बताओ? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, जी स्टार बराबर हो जाएगा अपॉन ए। एल अपॉन ए मात्र लिख दो, एल किस में? एल बोलो सेंटीमीटर में, बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एक बटा सेंटीमीटर ऊपर ले जाओ, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, वो बना दो सेल, सेल बनाओ जल्दी, बढ़ाओ जल्दी भाई। ये लो दो इलेक्ट्रोड है, उनके बीच की दूरी है दो, उसमें तार लगा दिए ऊपर। बन गया ना सेल? ये वर्ड लिख दो, ये जी स्टार का मापन एल अपॉन ए से निकालना यह सुविधाजनक होता है। ये रहने दो, एल अपॉन ए से निकालना यह सुविधाजनक होता है भाई। केसीएल भर लेना जिसकी कप्पा पता हो, आर निकाल लेना, कप्पा पता है आर निकाल लेना, कप्पा पता है आर निकाल लेना, और दोनों को गुणा कर देने क्या आ जाएगा बताओ? जी स्टार और एक बार जी स्टार निकल जाए ना तो उसके बाद में उस सेल के ऊपर पेंट से लिख दो इतना आया, क्योंकि चेंज थोड़ी होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का भी चेंज थोड़ी होगा भाई, कांस्टेंट है वो, एक बार निकाल और उसके बाद सेल के ऊपर लिख दो, ठीक है, वो बार बार चेंज नहीं होगा भाई। सेल स्थिरांक हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसमें चाहे आप विलयन कोई सा भी चेंज करते रहो, जी स्टार फिक्स रहेगा, बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है। एक तुम लोग सुबह जल्दी आ जाते हो ना भाई, जब यहां खड़े होकर जोर जोर से बोला करो, ऊपर आवाज आती है इसमें बहुत ज्यादा, इतने तेज बोलती है।